आज है 3rd of December और मैं आया हूँ अपने फ्रेंड की शादी में हल्द्वानी की साइड को। और यहाँ पे क्या है कि कल शादी थी 2nd of October को, तो आज सैटरडे संडे था तो हम लोगों ने सोचा आज थोड़ा घुमा जाए कहीं। तो ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में आपने देखे होंगे कि हम लोगों ने कुमाऊँ के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कवर कर चुके हैं। तो अभी इस बार हम लोग का प्लान है, मैं मेरे साथ है पूजा कैमरे पे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर की साइड। तो मुक्तेश्वर को माना जाता है काफ़ी अच्छी जगह है, एक पीसफुल लोकेशन है, ऑफ बीट लोकेशन है, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब और जैसे नैनीताल ये जो ये आपके कॉमर्शलाइज हो चुके, लेकिन मुक्तेश्वर अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी जगह है मुक्तेश्वर। तो आज देखते हैं कैसी जगह है। तो अभी है 8 बज रहे हैं लगभग, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मतलब, तो और जाएंगे सीधा एक जगह भालूवाड़ वाटरफॉल। वैसे वाटरफॉल तो हम लोगों ने देखे काफ़ी बीच में, तो अभी जाते देखते भालूवाड़ का कैसा है। सर्दी है, थोड़ा ठंड भी है उधर की साइड, पानी में तो नहीं जा पाएंगे, बस देखते हैं आगे का व्यू कैसा। तो आपको दिखाते हैं आगे के व्यूज, और मेरे साथ है पूजा पीछे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब ये हल्द्वानी और हम निकल रहे हैं सीधा भालूवाड़ की तरफ। चलो तो हम लोगों ने अभी गाड़ी खड़ी कर ली अपनी, यहाँ पे पार्किंग है जो बेस है यहाँ पे, जहाँ से थोड़ा सा यहाँ से 1.5 किलोमीटर का पैदल है, 1.5 से 2 है ऐसा कहते हैं। और ये है जो छोटा सा गांव, यहाँ थोड़ा छोटी छोटी शॉप्स वगैरह भी हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है अपना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे चाय वगैरह पी के तब जाएंगे हम लोग आगे। अभी मॉर्निंग 9:40 ही हो रहा है, 9:40 सुबह का, तो आराम से हम लोग जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। फिर मुक्तेश्वरम को जाना है यहाँ से, जो कि ज़्यादा दूरी पे नहीं है यहाँ से। तो ये जो पीछे है ये पूरा सेब के बागान है, नीचे पत्ता गोभी वगैरह है, तो ये पूरे सेब होते हैं यहाँ पर। और आजकल शायद सीज़न नहीं है, तो शायद इस टाइम पे अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पेड़ अभी वैसे बड़े हो चुके हैं शायद। हाँ, तो ये है यहाँ का एंट्रेंस, और यहाँ पड़ती है टिकट, प्रवेश शुल्क। अच्छा, कितना सर? 2 लोग हैं। हाँ, 100। नाम बता दीजिए। हाँ, अरविंद। तो यहाँ पे जो है जो भालूवाड़ जो वाटरफॉल है उसके एंट्रेंस पे लगती है 50 रुपये की टिकट पर पर्सन, और आपका इन्फॉर्मेशन रहती है शायद उनके पास जो जो लोग जा रहे हैं यहाँ से। और प्रॉपर रास्ता भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रॉपर मेंटेन्ड, और साइड से रेलिंग्स वगैरह है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। पूजा कैसा लग रहा है? तो जिस तरीके का उन्होंने यहाँ से एंट्री पॉइंट रखा हुआ है, प्रॉपर रास्ता भी अच्छे से मेंटेन्ड है। ये तो देख सकते हैं पीछे पूरा इन्होंने कूड़े वगैरह के लिए जो भी रखा है आपका, पूरे प्रॉपर डस्टबिन लगे हुए हैं, और रास्ता भी अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन रखा हुआ है, तो वर्थ है। मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अभी देखते हैं आगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, और ठंड भी यहाँ पर है। वाटरफॉल में पानी देखते कितना है। वैसे नीचे जो नदी की आवाज़ आ रही है, जो जहाँ से वाटरफॉल आ रहा है उसकी जो आवाज़ है, उससे तो लग रहा है कि यहाँ काफ़ी पानी होगा। और यहाँ पे एक्चुअली क्या कि वो भी है आपका कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़, जैसे आपका जिप लाइन वगैरह भी है अवेलेबल, 400% लिखा हुआ था पीछे बोर्ड में, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं अगर पूरा टाइम है, पूरे दिन का टाइम है। तो हम लोग प्लान है बस कि यहाँ से जाके सीधा आपका वाटरफॉल देखेंगे, फिर यहाँ से सीधा मुक्तेश्वर, तो मुक्तेश्वर में भी तो जगह देखनी है। तो ये है जंगल के बीच में जो छोटे छोटे से घर होते हैं ना, घर नहीं में एक्चुअली यहाँ पे शायद कुछ शॉप वगैरह होगी किसी की, मैगी वगैरह, और लेकिन जो पेड़ों की छाव के बीच में बना हुआ है ना, बड़ा ही मस्त है ये। अब यहाँ से वाटरफॉल, ये पानी वगैरह तो काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ पानी होना चाहिए काफ़ी वाटरफॉल में। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे
पूरा प्रॉपर चेयर वगैरह लगी हुई है, मैगी झूला, यहाँ पे शायद शॉप्स वगैरह होंगी, अभी खुली ना हो या फिर आजकल सीज़न नहीं है तो फिर नहीं खुली है। तो ये छोटे छोटे पुल इनर प्रॉपर बनाया हुआ है अच्छे से। और नदियों से होता हुआ रास्ता, नदियों और पेड़ों के छाँव से होता हुआ रास्ता है। क्या शानदार नजारे हैं यहाँ के। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पे टेंट्स वगैरह वैसे लगे हुए हैं, प्रॉपर बाथरूम्स वगैरह हैं, गर्मियों में सबसे बेस्ट। दो किलोमीटर है, ये होगा आपका एक किलोमीटर के आसपास, और हम आ चुके हैं वाटरफॉल पे। प्रॉपर भीड़ नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ की जो वो है पूरी वार्निंग, मतलब जो भी है लिखा हुआ है सब कुछ, 40 फीट की बता रहे गहरा, ऊंचाई 56 फीट है, 56। तो अगर आपको यहाँ पे लाइफ जैकेट भी मिलती है, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये है कि जिस टाइम पे सीज़न होता है प्रॉपर लाइफ जैकेट मिलेगी आपको, लाइफ जैकेट के साथ ही आप आगे तक जा सकते हैं। और इवन आपको तैरना भी आया तो लिखा हुआ है कि आप लाइफ जैकेट लेके ही जाएं। तो काफ़ी गहरा, मैं दिखाता हूँ आपको फॉल का व्यू। ये है वाटरफॉल का व्यू, बहुत शानदार व्यू। से आगे जाना अलाउड नहीं है, और यहाँ पे जो गहराई बता रहे हैं वो 40 फीट के अराउंड है, जो लगता नहीं है वैसे यहाँ देखने में, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं एक्चुअल में गया नहीं हूँ आगे की साइड, ठंड का मौसम है तो यहाँ पे वैसे भी कुछ है नहीं, और आगे जाने पे आपको लगेगा जुर्माना अगर आप बिना लाइफ जैकेट के आगे जाते हैं। और ये जो फॉल की हाइट है ये 56 फीट के आसपास है। काफ़ी यहाँ पे जो नज़ारा है ना, काफ़ी बहुत ही शांति है यहाँ पे। ये टाइम है एक्चुअली सीज़न नहीं है तो काफ़ी यहाँ पे जब सीज़न नहीं होता तो एक्चुअली शांति होती है हर जगह पे। तो आप प्रॉपर जो ये फॉल की आवाज़ है आराम से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करके यहाँ पे इस टाइम पे। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग लगभग 12:30 हो चुके हैं, और अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे मुक्तेश्वर में हम लोग का स्टे है आज, और थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, और कल हम लोग देहरादून के लिए वापस। तो चलो चलें फिर, लेट्स गो। तो भाई अपने ये जो भालूगांड वाटरफॉल है, मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस खोला है, आप देख सकते हैं बीच कैंटीन मैगी बोन, अभी बंद रखा है क्योंकि सीज़न नहीं है। तो चाय कॉफ़ी नाश्ता सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, आप आइए। बोलना मैं अगर मैं ना रहा हूँ तो बोल देना अरविंद बिश का रिलेटिव फ्रेंड हूँ, आपको मस्त डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो जो रेस्टोरेंट दिखाया था वो खुल चुका है अभी। अब यहाँ पर हम लोग मैगी वैगी खाने वाले हैं। ये देखो छोटा, इसको कहते हैं छोटा। ये एक्चुअली होम डेकोर के लिए भी यूज होता है। ये जो चीड़ के पेड़ है ना, उससे उसमें से निकलता है। हाँ, इसके बीच में बीज होते हैं। हाँ, उसको खा सकते हैं, उसको खा सकते हैं। तो ये है केमियन रेस्ट हाउस एग्जीक्यूटिव रूम्स, बहुत मस्त लोकेशन पे है, मुख्य शोरूम एग्जीक्यूटिव रूम्स है। बाकी जो रूम्स हैं आपके रॉयल और डबल बेड दूसरे वाले, वो लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर ऐसा व्यू पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो व्यू पॉइंट मिलेगा ये है। ये बिल्कुल पुराने ज़माने का जैसे होता है ना, और इसकी हाइट है 7500 फीट, जो मुक्तेश्वर है, जो ये जगह है, और ये ज़बरदस्त व्यू पॉइंट के साथ। तो ये यहाँ का जो पूरा सिटिंग एरिया, आराम से इंजॉय कर सकते हैं वे चाय वगैरह, मॉर्निंग टी। और ये है सामने का व्यू, जो एग्जीक्यूटिव रूम्स है वो यहाँ पे है।